छतरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले का मामला सामने आया है। पीएम आवास योजना में मिलने वाली किस्त को हितग्राहियों ने अन्य कार्यों में खर्च किया, जिसको लेकर प्रशासन ने इन हितग्राहियों पर मामला दर्ज करवाने के लिए थाने में आवेदन दिया है। प्रशासन उन नगर पालिका कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की बात कह रही है जिन्होंने इन हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने का कार्य किया है। नगर पालिका अधिकारी की माने तो 14 हितग्राहियों ने नियम विरुद्ध लाभ लेकर पीएम आवास की किस्त ली है और फिर इन किस्तों को आवास बनाने में खर्च करने की जगह हजम कर गए हैं। जब इसकी जांच नगर पालिका ने करवाई तो उन्हें नियम विरुद्ध लाभ लेने का दोषी पाया गया। इसी आधार पर कलेक्टर ने इन 14 हितग्राहियों पर मामला दर्ज कराने कोतवाली और सिविल लाइन थाने में आवेदन दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल कमलनाथ सरकार के दौरान इसी नगर पालिका ने 70 हितग्राहियों पर मामला दर्ज करवाया था, जबकि अब बीजेपी शासन में हितग्राहियों पर मामला दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है, जबकि यह घोटाला तत्कालीन बीजेपी शासित नगर पालिका कार्यकाल में हुआ है। अब नगर पालिका उन नगर पालिका कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने की बात कर रही है जिन्होंने इस घोटाले में नियम विरुद्ध लाभ इन हितग्राहियों को दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ लोगों के नाम ऐसे सामने आए थे, इनमें नियम विरुद्ध तरीके से उनको किस्त प्राप्त हुई थी। ऐसे इनके 3 लोग पहले और 11 लोग बाद में, कुल 14 लोगों के खिलाफ माननीय प्रशासक सर के आदेश पर हम लोगों ने FIR दर्ज कराने के लिए थाने को आवेदन भेजा हुआ है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।